हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही मस्ती में होगे। तो यार वाकई मस्ती में हो ना। अगर हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। तो साथियों, अभी जिस वीडियो को आप अपनी मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड में आपको अलग अलग इफेक्ट अप्लाई होता हुआ दिख रहा होगा। तो यार आप भी अगर अपने वीडियो में कुछ इसी प्रकार का इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो आज के इस वाले वीडियो को जस्ट इतना सा आपको ध्यान देकर देखना होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करवा के आज इसी प्रकार का वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ मज़ेदार है, तो वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार दिमाग लगा सोच क्या रहे हो, अपने भाई का वीडियो है, लाइक करना तो बनता है। बाकी यार चैनल पर अगर आप नए हो तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा। तो साथियों, अभी आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे अभी दो ऐप को देख रहे होंगे। पहला आपका टर्बो वीपीएन, जो कि एक वीपीएन ऐप है। दूसरा है कपकेट। तो यार प्ले स्टोर से गाइस सबसे पहले टर्बो वीपीएन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपको इसको कनेक्ट कर लेना होगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, पहले आपको यहाँ पर टर्बो वीपीएन को कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पर कपकेट ऐप को ओपन कीजिएगा। जब दोस्तों आप इसको ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे। अभी आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहां पर गाइस मैंने एक बैकग्राउंड फोटो का लिंक दे के रखा है, आपको उस वाली फोटो को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देख सकते हैं दोस्तों, मेरे गैलरी में जितने सारे वीडियो हैं वो आपको यहाँ पर अभी दिख रहे हैं। अभी आपको यहाँ फोटो वाले सेक्शन में जाना होगा। जाने के बाद दोस्तों आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो बैकग्राउंड आप डाउनलोड किए थे उस वाले बैकग्राउंड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देन आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा ब्लैक कलर का वो बैकग्राउंड। अभी आपको अपने वीडियो में लास्ट में जाना होगा। जाने के बाद ये देख पा रहे ऐप का लोगो आपको दिख रहा होगा, इस वाले पार्ट को गाइस आप यहाँ पे ध्यान से डिलीट कर दीजिएगा, नहीं तो यार वीडियो के एंड में ये चिपका ही रहेगा। अभी सबसे पहले इसका जो ड्यूरेशन है आपको यहाँ पे अंदाजे में बढ़ा लेना होगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, जो बैकग्राउंड है इसका ड्यूरेशन को मैंने यहाँ पे अंदाजे में बढ़ा लिया है। बढ़ा लेने के बाद आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ में आ जाना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे में जो ओवरले का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं, आपको इस वाले ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन ऐड ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक करके अभी दोस्तों आप जिस भी वीडियो को आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हो उस वाले वीडियो को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करना होगा। मैं गाइस आपको दिखाने के लिए दीपिका जी का इस वाले वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। देख सकते हैं दोस्तों, दीपिका जी का जो वीडियो उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी गाइस आप अपने दोनों हाथों के फिंगर की हेल्प से कुछ इस प्रकार से वीडियो को आप यहाँ फुल स्क्रीन में पहले कर लीजिएगा। करने के बाद आपको इस वाले वीडियो का जो बैकग्राउंड है उसको आपको रिमूव करना होगा। उसके लिए दोस्तों आपको नीचे में जो ऑप्शन सब दिख रहा होगा, इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इस वाले वीडियो का जो बैकग्राउंड है आपको यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी आप यहाँ बैक करके बाहर आइएगा। आने के बाद अभी आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख पा रहे हो, आपको इस वाले इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन फर्स्ट इफेक्ट गाइस आपको जो मैं दिखाऊंगा उसको सिलेक्ट करना होगा। देख सकते हैं इस वाले फर्स्ट इफेक्ट को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करना होगा। देन आप यहाँ पर ओके कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ से अगर अपना वीडियो को प्ले करके आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके वीडियो में इफेक्ट होगा। अभी गाइस आपको अपने वीडियो में जहाँ पर आपका इफेक्ट खत्म हो रहा है इस जगह पर आपको आना होगा। आने के बाद आप यहाँ पर ऐड इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। देन आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा। जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अभी जो नेक्स्ट इफेक्ट है आपको इस वाले को सिलेक्ट करना होगा। देख सकते हैं इस वाले को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से आपके वीडियो के पीछे इफेक्ट होगा। देन आप यहाँ पर ओके कर लीजिएगा। अभी इसको पकड़ के कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ में आप ले आइएगा। लाने के बाद आपको यहाँ पर आना होगा। आने के बाद दोस्तों आप वापस से यहाँ पर ऐड इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। देन आप यहाँ पर नीचे में जाइएगा। जाकर दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट इफेक्ट जो है उसको गाइस आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा सिलेक्ट करना है। ये वाला आपको अभी सिलेक्ट करना होगा। देन आप यहाँ पर ओके कर लीजिएगा। अभी सेम आपको लास्ट में जाना होगा। जाने के बाद इसी वाले ऐड इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर नीचे जाना होगा। जाने के बाद जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप गाइस, उन्हीं सारे इफेक्ट को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करना है। जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे हो, मेरे पूरे वीडियो में मैंने यहां पे कुछ इस प्रकार से इफेक्ट सिलेक्ट कर लिया है। अभी दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ में आ जाइएगा।
आने के बाद अभी आपको यहाँ पे ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन एड ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक करके अभी आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो वीडियो आप डाउनलोड किए थे यानी लाइटिंग इफेक्ट वाला जो स्मोक वाला वीडियो है उसको आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करना होगा। देन आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद अपने दोनों हाथों के फिंगर की हेल्प से कुछ इस प्रकार से वीडियो को आपको यहाँ पहले फुल स्क्रीन में एडजस्ट कीजिएगा। करने के बाद दोस्तों आपको जो नीचे में ऑप्शन सब दिख रहा होगा इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे गाइस इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर लेना है। अभी आपको इस वाले वीडियो का जो वॉल्यूम है आप यहाँ पे 0 कर दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर ओके कर लेना है। अभी दोस्तों आपको अपने वीडियो में लास्ट में जाना होगा। जाकर दोस्तों आपका वीडियो का जितना ड्यूरेशन रहेगा आपका मेन वीडियो का सब चीज़ गाइड गाइस ड्यूरेशन को आपको उतना ही रखना है और बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट गाइस आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार डिलीट करके हटा दीजिएगा। लीजिए साथियों आपका जो वीडियो यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके कुछ इस तरह से आसान से फिल्टर का यूज़ करके आप इस प्रकार का वीडियो एडिट कर सकते हो। तो गाइस आपको अभी इस वाले वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर में यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं। आपको इस वाले शेयर पर क्लिक कीजिएगा। देन आप यहाँ पर 1080p रखिएगा। देन 60fps में गाइस आप अपने वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो यार उम्मीद कर रहा हूँ आज का जो ट्यूटोरियल है आपको समझ में आ चुका है। अगर वीडियो को देखते हुए इतना दूर तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर अगर आपने हो तो मुझे पता आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।